हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजीत और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे ऑडियो स्पेक्ट्रम के साथ एक वीडियो स्टेटस बना सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अगर आप इस तरह का एक वीडियो स्टेटस बनाना चाहते हैं देन आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। पहला है हमारा काइनमास्टर, जो शायद से आपके पास होगा, और दूसरा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है CHK SND। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसको ओपन करोगे, देन नीचे जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करके ऐड इमेज के ऑप्शन पे जाके आप आपके गैलरी में से एक ग्रीन इमेज यहाँ पर सिलेक्ट करके ओके कर दोगे। ग्रीन इमेज ले लेने के बाद आप ऊपर लोड म्यूज़िक के ऑप्शन पर जाओगे, देन सिलेक्ट ऑडियो के ऑप्शन पे जाके जिस म्यूज़िक को आप वीडियो में ऐड करना चाहते हो उस म्यूज़िक को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ से म्यूज़िक को सिलेक्ट करके डन कर देता हूँ। देन यहाँ पर क्लोज ऑप्शन पे टैप करके आप प्लस के आइकन पे जाके ऐड स्पेक्ट्रम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। देन बार्स ऑप्शन पे जाके सारे सेटिंग्स को यहाँ पर आप एडजस्ट कर दोगे। आपकी ऑडियो स्पेक्ट्रम आप कैसा रखना चाहते हो इसके अनुसार आप सारे सेटिंग्स को ठीक करके ऊपर एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे, जहाँ पर हमने ऑडियो स्पेक्ट्रम तैयार किया है, जिसको हम अभी काइनमास्टर पे जाके इसको हमारे जो वीडियो में हम लगाएंगे। तो सारे चीज़ें हम काइनमास्टर पे जाके कैसे करना है देखेंगे। तो चलिए अब चलते हम काइनमास्टर के अंदर। काइनमास्टर ओपन होने के बाद आपको 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। देन मीडिया में से आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड लेके इसके साइज़ को आपको बड़ा कर देना है। देन लेयर पे जाके आपको यहाँ पर जो इमेज है उसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो मैं इस इमेज को लेके यहाँ पर इसको साइज़ के इसको बड़ा करके इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। देन इसके लेंथ को भी मैं यहाँ पर बड़ा कर दूँगा। अब यहाँ पर हम एक इफ़ेक्ट को ऐड करेंगे जिससे हमारा जो फेस है उस पर फोकस बना रहे। तो हम विग्नेट इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि एक इफ़ेक्ट है, और इसको साइज में बढ़ा करके सेटिंग्स में से इसका जो स्ट्रेंथ है उसको 38 तक हम कर देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो अभी फेस पे जो फोकस है वो एक अच्छा बना हुआ है, और इसके साइज़ को भी हम बड़ा कर देंगे। ओके, देन हमें क्या करना है, हमें फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और जो ऑडियो स्पेक्ट्रम हमने तैयार किया था उसको हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऑडियो स्पेक्ट्रम ऐड करने के बाद हमें इस पे जो ग्रीन स्क्रीन है उसको हमें हटाना है। इसके लिए हम क्रोमा के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको यहाँ पर इनेबल कर देंगे, और यहाँ पर आपको ऊपर थोड़ा और नीचे थोड़ा ब्लैक बॉर्डर आपको दिखने को मिलेगा। तो इसको आप क्रॉप करके यहाँ पर हटा देंगे इस तरह से, ठीक है। ओके, देन इस स्पेक्ट्रम को आप नीचे ठीक से फिट कर देंगे लाइक दिस। ओके, ये अब हो गया है, ठीक है। हम अभी इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो यह सब कुछ यहाँ पर ठीक से हो गया है। देन हम क्या करेंगे, इस ऑडियो के लेंथ अनुसार सब कुछ हम इस ऑडियो के लेंथ तक सबको बड़ा कर देंगे। यहाँ पर सारे जो चीज़ हमने लिया है सबको ऑडियो तक हम बड़ा कर देंगे। ओके, ये हो गया है। इतना होने के बाद हम अभी जाएंगे लेयर पे, देन टेक्स्ट पे, और ऊपर हम एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर SLP ऐसा कुछ ऐड करके इस टेक्स्ट का फॉन्ट यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। फॉन्ट का टेक्स्ट चेंज करने के बाद हम इसको ऊपर ऐड कर देंगे ठीक से एडजस्ट करके। इस तरह से हम ठीक से एडजस्ट करते हुए ऊपर इस तरह से हम ऐड कर देंगे। ओके, ये अब हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें इसके साइज़ को भी वीडियो तक पूरा कर देना है इतना बस। देन हमें क्या करना है, हमें अब ऑडियो जब प्ले होगा तो ऑडियो के अनुसार हमें लाइन को यहाँ पर लिखना है। तो हम अभी लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, और जो सॉन्ग का पहला लाइन है हाले दिल मेरा,
ये लाइन हम अभी लिखेंगे और ये सॉन्ग में हाले दिल मेरा जितने तक प्ले होता है उतने देर तक हम इस टेस्ट को वहाँ पर रखेंगे और इसमें इन एनिमेशन हम रख देंगे लेफ्ट से राइट और आउट एनिमेशन में फिट रख देंगे। पर उससे पहले यहाँ पर फॉन्ट में हमें यहाँ पर इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है जो कि है लिटरेटा इटैलिक। इस फॉन्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट इसको सिलेक्ट करने के बाद इन एनिमेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था इन एनिमेशन में हमें लेफ्ट से राइट को यहाँ पर ले लेना है। सो यहाँ पर स्लाइड लेफ्ट इस ऑप्शन को ले लेना है और इसके ड्यूरेशन को हमें थोड़ा ज़्यादा कर देना है ताकि धीरे से स्लाइड करके लेफ्ट से राइट की तरफ आए। और ये जो लाइन है जितनी देर तक है उतनी देर तक हमें इस टेक्स्ट को रखना है और आउट एनिमेशन में हमें फेड इफेक्ट दे देना है। और ये जो गाना है ये हमें प्ले करके इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, अगर मैं सुनाऊँ तो मुझे कॉपीराइट शायद से आ जाएगा इसलिए मैं गाना नहीं सुना सकता। तो यहाँ पर फेड इफेक्ट मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्लाइड करके लेफ्ट से राइट में आया, देन जब ये लाइन ख़त्म हो गया देन फेड होके चला गया। इसी तरह से जब यहाँ पर ये एंड होता है उसी जगह से हमें जो दूसरा लाइन है पूछो ना सनम उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं पूछो ना सनम ये टेक्स्ट भी लिख लूँगा और इसको एन को यहाँ पर बड़ा करके दूंगा। ओके, देन यहाँ पर इसको भी हम फॉन्ट को चेंज कर देंगे, इसके फॉन्ट को लिटरेटा इटैलिक ये वाला फॉन्ट ऐड कर दूंगा। देन इस पर भी इन एनिमेशन जैसे क्या था सब कुछ वैसे करना है, स्लाइड लेफ्ट ठीक है। देन हमने तो ड्यूरेशन इसका बढ़ाया नहीं तो यहाँ पर ड्यूरेशन को भी थोड़ा लंबा कर देंगे। देन ये लाइन जितने देर तक है उतने देर तक हम देखेंगे कितने देर तक इस लाइन को हमें रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा और इस लाइन को रखना है, देन आउट एनिमेशन में जाके फेड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद हम इसको प्ले करके देखेंगे। तो ये यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। देन जब ये सब कुछ ठीक हो देन आपको सेम प्रोसेस करना है, सारे लाइन को इस तरह से आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद लेयर ऑप्शन पे जाके मीडिया पे जाके हम यहाँ पर एक वीडियो ऐड करेंगे जिससे वीडियो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा हमारा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इसके साइज़ को फुल कर देंगे यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाके। देन हम यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और इसको स्क्रीन सेट कर देंगे और ओके। अब हम जब वीडियो को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि एक अच्छा एक लुक अभी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये जो कुछ हो रहा है उससे एक अच्छा लुक देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरह से आप सारे लाइन को लिख लेंगे और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपका वीडियो तैयार हो जाएगा।